हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एंकर थ्रेड का इस्तेमाल करके कुर्ती के गले और बाजू का एक बहुत ही सिंपल और ग्रेसफुल डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंकर थ्रेड को हमें मशीन में चलाना कैसे है। ये मैंने बॉबिन केस ले लिया है और इस पे जो ये आप दो पेंच देख रहे हैं, इसमें से सबसे बड़ा वाला जो पेंच है इसको हमें हल्का सा लूज़ करना है, क्योंकि हमारा जो एंकर थ्रेड होता है ये नॉर्मल थ्रेड से 6 गुना ज़्यादा मोटा होता है। तो इसको चलाने के लिए इसको हमें थोड़ा सा लूज़ तो करना ही पड़ेगा। किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसको एक बार घुमा लीजिए, बहुत ज़्यादा लूज़ भी आपको ये नहीं करना है। बस इसको एक बार घुमाने से ही ये अच्छे से लूज़ हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं इतना लूज़ हमें इसको करना है। अब हम अपनी बॉबिन में ये थ्रेड भर लेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से इसको इसके अंदर सेट कर देंगे। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे अपनी। इसके लिए मैंने एम्ब्रॉयडरी का ट्यूटोरियल पहले ही अपलोड कर दिया है और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। पीछे की तरफ मैंने फ्यूज़ पेपर चिपकाया है ताकि एंकर थ्रेड चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए मैं आपको दो रीलों से एंकर थ्रेड चला के दिखाऊंगी। एक तो सेम रील है, यानी कि एंकर थ्रेड के बिल्कुल कलर की रील, और एक थोड़े से अलग कलर की रील। तो सबसे पहले मैंने वाइट कलर का धागा लगाया है और ये देखिए, फ्रंट से इसकी फिनिशिंग कुछ इस तरह से दिख रही है। अब मैं आपको ब्लू कलर का धागा लगाकर दिखाती हूँ। जब भी आपको एंकर थ्रेड चलाना है तो बखिया बिल्कुल मैक्सिमम पे रखना है, या फिर आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं। ये देखिए, ब्लू कलर के धागे से इस तरह की फिनिशिंग आ रही है। तो आपका जो भी मन चाहे आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सेम कलर का धागा लगा रही हूँ। बहुत बारीक बखिए से अगर हम एंकर थ्रेड चलाएँगे तो उसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती, बखिया थोड़ा सा मोटा ही रखना पड़ता है। मैंने ऊपर की तरफ वाइट थ्रेड लगाया है और वाइट थ्रेड लगा के ही मैं अपने बॉर्डर को तैयार करूंगी। तकरीबन 5 लाइंस हमें लगानी है एंकर थ्रेड की इस तरीके से। सिलते सिलते अगर थोड़ा खींच लेंगे तो और ज़्यादा सफाई आएगी। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी की सारी लाइंस लगा लेंगे। अब इसके आगे हम ये प्रिंटेड कपड़े का बॉर्डर लगाएंगे। ये प्रिंटेड कपड़ा मैंने इसके दुपट्टे के साइड में से निकाला है। जो इस कुर्ती का दुपट्टा है वो बिल्कुल इसी तरह का है जिस तरह का ये प्रिंटेड कपड़ा मैंने लिया है। तो मैं थोड़ा सा दुपट्टे के साइड में से निकाल लिया ताकि मैं अपने कुर्ते के ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकूं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको अटैच करना है। यहाँ पर आप चाहें तो प्लेन कपड़ा भी अटैच कर सकते हैं, प्रिंटेड कपड़ा लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो प्लेन एम्ब्रॉयडरी के कलर का कपड़ा भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, और इसी के साथ हमारी ये बाजू तैयार हो गई है। दूसरी बाजू को भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। ये देखिए, ये कमीज के फ्रंट वाले हिस्से पर मैंने 15 इंच की लंबाई तक फ्यूज़ पेपर चिपका दिया है। फ्यूज़ पेपर की चौड़ाई मैंने रफ ले ली है। अब हम सेंटर से 2 इंच की दूरी पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे भी 2 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। स्केल की हेल्प से इसको जोड़ देंगे। अब हम इसको खोल देंगे और सेंटर से 2 इंच इधर की तरफ और 2 इंच इधर की तरफ एक एक और निशान लगा के स्केल की हेल्प से इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर गले की लंबाई हम रफली लगाएंगे, अंदाजे के लिए लगाएंगे,
और इसके सेंटर में हम स्केल की हेल्प से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इस लाइन के दोनों तरफ तिरछी इस तरीके की लाइंस ड्रॉ करेंगे। लाइंस के बीच की चौड़ाई मैं बिल्कुल स्केल जितनी ले रही हूँ ताकि हमारी चौड़ाई इवन आए। इस तरीके से हम दोनों तरफ तिरछी लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब हम इनके ऊपर सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ हमने पहले ही एंकर थ्रेड भर के रखा हुआ है और इस तरीके से सारे के सारे निशानों को हम सिलाई लगा के कवर कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हम इन सब पे सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए, हमारा डिज़ाइन इस तरह का दिख रहा है। अब क्योंकि हमारी लाइंस के बीच में गैप थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम एक एक लाइन इनके बिल्कुल बीच बीच में और लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से इनके बिल्कुल बीच बीच में हमें एक एक लाइन और लगानी है। ये एंकर थ्रेड का डिज़ाइन बन गया है और इसके साइड्स पर लगाने के लिए मैंने प्रिंटेड फैब्रिक की पट्टी को प्रेस से फोल्ड करके रखा हुआ है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से पट्टी को कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा फोल्ड कर सकते हैं। मुझे ये पूरे पूरे फूल इसके अंदर दिखाने थे, तो मैंने इसके हिसाब से इसको फोल्ड किया है। अब हम यहाँ से इस पे कोना बनाएंगे। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है कि हमारा कोना बहुत ही ज़्यादा सफाई से बने, क्योंकि अगर हमारे इस गले में सफाई नहीं आएगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम इसमें वैसे भी कोई एक्स्ट्रा लेस या कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, ये बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और डिज़ाइन जितना सिंपल होता है उसमें उतनी ज़्यादा सफाई आने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से हमें यहाँ पे भी कोना बनाना है। आप प्रिंटेड पट्टी की जगह प्लेन कपड़ा भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। प्लेन कपड़े से भी बहुत ज़्यादा ग्रेस आती है। इस तरीके से ये देखिए, इसको अच्छे से हम अटैच कर देंगे। ये हमने अटैच कर दिया है और इसके ऊपर बनाने के लिए मैंने गोल गला पहले ही कट करके रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने इसको कट करके पहले ही कपड़े के ऊपर चिपकाया हुआ है। ये बहुत ही बेसिक तरीके से हम गला बनाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको बेसिक गले बनाने नहीं आते, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम इस तरीके से गले को इसके ऊपर बीच में रखेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। फ्यूज़ पेपर या बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी होती है। इस तरीके से, और बीच में से एक्स्ट्रा मार्जिन कट करेंगे, छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे और इसे पलट के हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक किनारे पे बिल्कुल बारीक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये देखिए, इसके साथ ही हमारे गले और बाजू का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। अगर आपको बाजू पे की गई एम्ब्रॉयडरी का वीडियो देखना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड है इस एम्ब्रॉयडरी को करने का। आप चाहें तो इस गले के ऊपर बटन्स भी लगा सकते हैं, या तो आप कपड़े के बटन लगा सकते हैं, रेडीमेड बटन भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस कुर्ते पर इस तरह के बटन्स लगाए हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक
तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।